उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राजधानी जयपुर में प्रजरा फाउंडेशन द्वारा आयोजित प्रोजेक्ट किशोरी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने बालिकाओं के सशक्तिकरण और उनके समग्र विकास पर बल देते हुए कहा, ये कार्यक्रम बालिकाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय सेवा प्रमुख शिवलहरी, सह प्रांत प्रचारक विशाल, वरिष्ठ प्रचारक मूलचंद, कर्नल धनेश, प्रजना फाउंडेशन के चेयरपर्सन प्रीति शर्मा, डॉक्टर शैलजा जैन, ब्रह्मोस एयरोस्पेस के उप प्रबंधक सरिता वाघटे, सहायक प्रोफेसर जेएनयू डॉक्टर आयुषी केतकर सहित अन्य अतिथिगण और बालिकाएं उपस्थित रही। से पानी आ रहा है, पीने लायक पानी आ रहा है, वो किसको फायदा हो रहा है? सबसे ज्यादा महिला को हो रहा है। घर में अगर शौचालय बना तो सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ, किसको लाभ हुआ? महिला को हुआ। सड़क बन गई तो सबसे ज्यादा किसको फायदा हुआ? हमारी महिला को हुआ, बच्चों को हुआ जो स्कूल जाते। देखो पुरुष तो कैसे जैसे चला गए, लेकिन ये सारी योजनाएं, ये सारा काम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, इसमें सबसे ज्यादा उन्होंने चिंता किसी की तो महिला की थी। उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन मिलना, कितना बड़ा काम महिला का फायदा हुआ। तो जब महिलाओं के बारे में केंद्र सरकार और अब तो राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आप लोगों के लिए सोच रही है, कार्य कर रही है,